Hello friends, today we are doing a theorem which is based on the spanning set. Okay, so guys, theorem statement is if S be any subset of a vector space V over a field F and then linear span is generated by set S. Okay, iska matlab kya hai? Humne ek set liya S. Agar S koi subset hai V ka, to vector space ka S ek subset hai. Ye iska subset hai. एंड फील्ड एफ है ओके सो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो सबसेट है वो लीनियर स्पैन को जनरेट कर रहा है ओके सो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे अगर तो ये सेट फी है एम्प्टी है तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है अगर ये सेट फी नहीं है तो देखते हैं क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा ओके सो फर्स्टली हमें करना क्या है इस एल एस को मतलब लीनियर स्पैन को सबस्पेस प्रूव करना है वी का सबस्पेस ओके अगर सेट फी है तो ये ट्रिवल सबस्पेस है ऑटोमेटिकली सबस्पेस है हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये सेट ये सबसेट फी नहीं है खाली नहीं है इसके अंदर कोई एलिमेंट है देन हमें प्रूव करना पड़ेगा पहली मेन चीज़ कि एस कंटेन इन प्रॉपरली कंटेन इन लीनियर स्पैन एंड नेक्स्ट थिंग लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू एल एस एंड थर्ड थिंग लीनियर स्पैन इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी ये सबसे छोटा सबस्पेस है वी का कंटेनिंग एस जिसके अंदर एस है मतलब ये सबसेट है तो पहली मेन चीज़ कि जो सबसेट है वो लीनियर स्पैन के अंदर है एंड जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियर स्पैन से बिलोंग करता है और जो लीनियर स्पैन है वो सबस्पेस है वी का एंड उसके साथ साथ उसके अंदर ये जो सेट है कंटेन्ड है सबसेट है वो प्रॉपरली कंटेन है तो हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है सो गाइस फर्स्ट केस तो क्लियर है कि अगर एस फी है तो वो ट्रिपल सबस्पेस है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर एस फी नहीं है खाली नहीं है तो मैंने एक एलिमेंट लिया एक्स कि उसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा मैंने एलिमेंट लिया एक्स वो सबसेट के अंदर है तो एक्स को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ मैंने एक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा एक्स इज इक्वल्स टू वन एक्स सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन अब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर स्पैनिंग सो वो तो बिलोंग करेगा ही किसकी लीनियर स्पैनिंग सेट की सो इसका मतलब ये चीज़ इम्प्लाई क्या करती है अगर एस एस में था उसकी लीनियर ये एक्स जो है वो लीनियर स्पैनिंग में भी बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब ये कंटेन है इसमें तो फर्स्ट चीज़ प्रूव्ड नेक्स्ट अब नेक्स्ट मुझे क्या प्रूव करना है लीनियर कॉम्बिनेशन सो एक्स एंड वाई लीनियर स्पैन में बिलोंग करते हैं लेट इट बी मान लिया है एंड अल्फा बीटा स्केलर्स फील्ड के एलिमेंट हैं अगर ये लीनियर स्पैनिंग में हैं तो एक्स कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा दिखने में मतलब अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू अप टू अल्फा एम तक ओके एंड वाई भी कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा दिखने में क्योंकि कहाँ बिलोंग करते हैं लीनियर स्पैनिंग ऑफ सेट एस ओके सो अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ अगेन वो चीज़ भी बिलोंग करेगी एल ऑफ एस में लीनियर स्पैनिंग में सो एल ऑफ एस इज द मतलब लीनियर स्पैनिंग इज द सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस यहाँ तक ये चीज़ प्रूफ होगी अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो सबस्पेस है ये एल एस स्मॉलेस्ट सबस्पेस है कंटेनिंग हमने प्रूफ कर दिए बट प्रूफ करना क्या रहता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस है सो we have to show that ls linear spanning is the smallest subspace of v containing s okay so सबसे smallest subspace prove करने के लिए मैंने एक और subspace लिया है that is w1 being another subspace of v containing s w1 भी एक ऐसा subspace है जिसके अंदर subset s है अगर W1 के अंदर सबसेट S है देन कंटेन एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S. ऑब्वियसली अगर वो सेट कंटेन है तो उसके हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कंटेन होगा अगर हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंटेन है देन L ऑफ S मतलब लीनियर स्पैनिंग ऑफ S ऑटोमेटिकली कंटेन इन W1 जो अनदर सबसेट अनदर सबस्पेस लिया तो इसमें कंटेन होगा अब LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कैसे क्यों क्योंकि LS है वो नेक्स्ट वन इसमें भी कंटेन है तो लीनियर स्पैनिंग सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है हमने कैसे प्रूव किया इसे हमने एक अनदर सबस्पेस लिया एंड W1 बीइंग अ सबस्पेस कंटेनिंग एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वो सबस्पेस है
वेक्टर स्पेस है क्योंकि वो खुद सबस्पेस है. सबस्पेस तभी होता है जब वो खुद वेक्टर स्पेस होगा. अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली होंगे. अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली है तो एल ऑफ एस कंटेन होगा डब्ल्यू वन में. और जबकि हमने अभी लास्ट प्रूफ क्या किया था कि एस कंटेन इन एल ऑफ एस है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एल ऑफ एस लीनियर स्पेनिंग ऑफ सेट है वो सबसे छोटा सबस्पेस है. हैंस प्रूव दिस थ्योरम. सो लीनियर स्पेनिंग सेट इज जनरेटेड बाय दिस सबसेट. That's it. So guys, हमने प्रूफ क्या क्या किया. हमने जो सबसेट लिया था, अगर तो वो फी है तो वो ट्रिवल है, मतलब ट्रिवल वो पक्का ही सबस्पेस है. अगर वो फी नहीं है, एम्प्टी नहीं है सबसेट, तो हमें पहले उसे कंटेन दिखाना पड़ेगा, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा वो बिलोंग टू लीनियर स्पेनिंग सेट एस. एंड थर्ड चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि एल ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी एंड कंटेनिंग एस. That's it. This is the main theorem जो exams में काफ़ी बार पूछी जाती है. Okay, now next main theorem is these are the parts. If S and T be the two subset of vector space VF, S and T दो subset है, not subspace. These are two subset. अगर ये दो subset हैं तो first चीज़ क्या prove करनी है, अगर S contain है linear spanning of T में तो ये चीज़ imply करेगी. अगर ये subset contain है इसकी linear spanning की दूसरे set की, दूसरे subset की, S और T दो subset लिए हैं मैंने, अगर S जो सबसेट है वो दूसरे की लीनियर स्पेनिंग के अंदर कंटेन है तो L ऑफ S भी इसकी लीनियर स्पेनिंग भी इसकी लीनियर स्पेनिंग के अंदर कंटेन होगी. ओके, एंड नेक्स्ट इज S अगर कंटेन है T में तो इनकी लीनियर स्पेनिंग आपस में कंटेन होगी. थर्ड वन इज अगर S सबस्पेस है, सबस्पेस वो तब होगा जब L ऑफ S इक्वल टू S हो जाए, मतलब लीनियर स्पेनिंग सबसेट के इक्वल हो जाए, या फिर अगर लीनियर स्पेनिंग सबसेट के इक्वल है तो ये सबस्पेस प्रूव करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट linear spanning and then linear spanning is equals to linear spanning. So guys, ये four result prove करने हैं जो बहुत important हैं. Many times they were asked in PU exam, KUK exams, in many more exams. Okay, so first thing क्या prove करनी है कि LS contain in LT. Okay, so S contain in LT, ये तो given है. इन्होंने कहा कि ये है तो ये prove करना है, ये given है. So LT, एल टी का मतलब लीनियर स्पैनिंग ऑफ टी सबसेट. अब गाइज मैंने क्या किया, एक्स एक एलिमेंट ले लिया. कहाँ से? लीनियर स्पैनिंग एस से, इसकी लीनियर स्पैनिंग से. अगर मैंने एक्स को लीनियर स्पैनिंग से लिया तो वो दिखने में कुछ ऐसा सा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा. ओके, अगर वो ऐसा है, उसके बाद एस, इन्होंने कहा था कि एस जो है टी में कंटेन है, लीनियर स्पैनिंग ऑफ टी में. ओके, अगर एस लीनियर स्पैनिंग टी में कंटेन है तो मतलब ये एक्स ऑटोमेटिकली लीनियर स्पेनिंग ऑफ टी में चला जाएगा. अब ये एक्स इससे भी बिलोंग करता है, एक्स इससे भी बिलोंग करता है, तो मतलब कि ये आपस में कंटेनमेंट है इनकी. तो एक्स, अब मैंने एक्स उठाया था लीनियर स्पेनिंग एस से और उसको मैंने शो कर दिया कि वो बिलोंग करता है लीनियर स्पेनिंग टी में. दिस इम्प्लाई दैट कि एल ऑफ एस कंटेन इन एल ऑफ टी. ओके, सो नेक्स्ट, एस अगर टी में कंटेन है, अब सबसेट सबसेट के अंदर कंटेन है, अगर एस सबसेट दूसरे सबसेट के अंदर, टी सबसेट के अंदर कंटेन है, तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी. पहली बात तो हमें पता है कि टी उसकी लीनियर स्पेनिंग के अंदर कंटेन होता ही है, होता है, ये रिजल्ट है. ओके, अगर ये इसके अंदर कंटेन है और एस एल ऑफ टी के अंदर कंटेन है, वो कैसे, वो फर्स्ट पार्ट से. और अगर ये चीज़ है तो ये क्या इंप्लाई करता था, ये चीज़ इंप्लाई करता कि लीनियर स्पेनिंग ऑफ सेट कंटेन इन लीनियर स्पेनिंग ऑफ टी. सो गाइज, ये तो फर्स्ट, जब ये प्रूव करना होगा हमें फर्स्ट दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा. एंड फर्स्ट इंप्लाई दैट कि एल ऑफ एस कंटेन इन एल ऑफ टी इन केस ऑफ वी हैव गिवन एस सेट कंटेन इन टी. ओके, सो थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर सबस्पेस है, सबस्पेस कब होगा, जब लीनियर स्पेनिंग सेट के इक्वल होगी. अगर लीनियर स्पेनिंग सबसेट के इक्वल है तो सबस्पेस प्रूव करना पड़ेगा. अब मैं पहले, मैंने मान लिया कि एस जो है वो सबस्पेस है. अगर वो सबस्पेस है तो एक्स बिलोंग्स टू उसका लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने उठा लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन से उठाया तो ऑब्वियसली वो कैसा सा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू इस फॉर्म में होगा. अब गाइज, ये जो x थे ये सेट में थे, S सेट में थे. एंड ये जो x है, ये x i's आर दीज आर इन सेट S. एंड जो बड़ा x है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये x लीनियर स्पेनिंग ऑफ सेट S में है. सो दिस इम्प्लाई दैट कि x इज इक्वल्स टू दिस है, तो ये x ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा. मतलब ये x लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, इक्वल है. ये बड़ा एक्स है, ये छोटे एक्सेस हैं. छोटे एक्स जो हैं वो एस सेट में हैं
और बड़ा जो x है उन सारे छोटे x's को हमने मिला दिया है और उस मिलाने को उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं L of S. सो ऑटोमेटिकली ये जो x है ये S से भी बिलोंग करेगा. यही चीज़ मैंने यहाँ प्रूव की है, वो मैथमेटिकली लिखी है. सो S मैंने L of S लीनियर स्पेनिंग से उठाया था, सेट में पहुँचा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि L of S कंटेन इन S. एंड फर्स्ट पार्ट से एंड वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि कोई सेट है वो उसके लीनियर स्पैन में होता है, ये प्रॉपर्टी है. सो ये दोनों क्या इंप्लाई करते हैं कि L of S लीनियर स्पेनिंग ऑफ सेट इज इक्वल्स टू S. ओके, सो नाउ फोर्थ रिजल्ट इज लीनियर स्पेनिंग ऑफ सेट एंड देन लीनियर स्पेनिंग इज इक्वल्स टू लीनियर स्पेनिंग. सो बाय पार्ट थर्ड, जो थर्ड में मैंने प्रूव किया है कि लीनियर स्पेनिंग जो है सेट के इक्वल होती है, अगर मैं ये दोनों साइड लीनियर स्पेनिंग ले लूँ तो वो भी इक्वल होएगी. अगेन हमें सेम चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी. ओके, वाई सो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीनियर स्पेनिंग किसके इक्वल है? सेट के इक्वल है. अगेन मैं लीनियर स्पेनिंग लूंगी तो वो भी तो सेट के इक्वल ही होगी, क्योंकि लीनियर स्पेन किसका हो रहा है? सेट के एलिमेंट्स का हो रहा है, किसी और चीज़ का थोड़ी हो रहा है. सेट के अंदर ही अंदर तो हम घूम रहे हैं, हम सिर्फ स्पेनिंग सिर्फ कॉम्बिनेशन डिफरेंट ले रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन उस सेट के अंदर ही होंगे. ओके गाइस, थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस.